पुनिया साहब, कल आपकी मौजूदगी में जो बयान एक तरह से मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने दिया कि अलवर में ऐसी कोई घटना ही नहीं हुई थी, और अब सफाई दे रहे हैं कि उनके कहने का संदर्भ अलवर और राजस्थान का नहीं था बल्कि बाकी राज्यों का था जिसको लेकर विपक्ष हंगामा मचा रहा था, तो इसे क्या कहा जाए? ऑन रिकॉर्ड में बयान होगा? देखिए, उन्होंने राज्यसभा के हाउस के अंदर बयान दिया था, और ये सफाई अगर उनको देनी है तो हाउस में ही देनी चाहिए। ये दरअसल किस तरह का एजेंडा है जो लगातार दिखाई दे रहा है गाय के नाम पर? उसके बाद लगातार जो गौरक्षक हैं उनकी भी घटनाएं एक के बाद एक थमती नज़र नहीं आ रही हैं, जबकि प्रधानमंत्री ने खुद कहा था कि 85% तो ये फर्जी हैं। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा था कि जितने गौरक्षक हैं 85% वो फर्जी हैं और एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं। तो एंटी सोशल एलिमेंट्स में कम से कम उनकी जहाँ सरकार है कार्रवाई होनी चाहिए। जो कानून के राज की बात करते हैं, सबके साथ सही व्यवहार की बात करते हैं, तो मौके पे भी कहीं दिखाई देना चाहिए। लेकिन जो ये घटनाएं घटित हो रही हैं उससे तो साफ है ये कहते कुछ है और करते कुछ है। सुभाष चंद्र के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।